तो गाइस कभी आपके कबूतर फूल के बैठ रहे हैं, बारिश के पानी से भीग गए हैं, या फिर बारिश की ठंडी हवा से भी फूल के बैठे हैं, और लगातार आपके शहर में लग गई है झड़ी, और ऐसी झड़ी लग गई है कि आप कबूतर को ना दाना दे पा रहे हो ना ही पानी दे पा रहे हो, वो कबूतर आपके काफ़ी ठंडे होके फूल के बैठे हैं, तो ऐसी हालत में हमको क्या करना चाहिए भाई? जैसे कि आप जो डिटेल देख रहे हो ना कि 10 रुपये में फुला हुआ कबूतर सही नहीं, ये काम भाई फ्री में भी हो सकता है। कभी वो चीज़ आपको घर में मिल गई तो फ्री में होगा, नहीं तो भाई आपको बाहर से अरेंज करना होगा 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में भाई। अभी जो मौसम चल रहा कैसा भाई, झड़ी का। अभी हमारे खंडवा में करीब 4 दिन से चल रही है झड़ी, कि आज 5वां दिन है, और भाई आज मौसम जैसे खुले के साथ भाई मैंने अपने पूरे दड़बों की सफाई करा, कि भाई ये जो पानी था ना, हवा के साथ पानी था, तेज हवा और तेज पानी, यानी चारों तरफ का पानी था, जिसमें भाई मेरे जो नीचे वाले जाल के अंदर ही चारों तरफ से पानी भरा और ऊपर वाली जाल में भी चारों तरफ से पानी भरा है। मैंने दोनों तरफ की जाल की कर दिया हूँ सफाई, और ये भी आपको करना है। जैसे आपके शहर में मौसम खुलता है, आपको आपके कबूतरों की जाल की सफाई करना है। तो भाई मैं पहले आपको अपने कबूतर को शो करा देता हूँ, उसके बाद में भाई मैं आपको ये बताऊँगा जड़ी बूटी, वो भी घर में आपको मिल जाएंगी भाई। और प्रैक्टिकली भाई मैं एक पानी बनाऊंगा, अपने कबूतरों को भी दूंगा, साथ ही ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। वीडियो को लाइक करो भाई, दिल से लाइक करो। ऐसी ये जो मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ पेज, राणा जी कबूतर भाई, इनका चैनल है, इनको भी सपोर्ट करें, ये भी हर तरीके की वीडियो अपलोड करते हैं। आज से 11 दिन पहले भाई ने मैं कमेंट करे थे, तो भाई सभी भाई का नंबर आएगा, आप बेफिक्र हो, आप दूसरे भाई का नंबर देखो। तो गाइस मेरी पूरे कबूतर की जाल खाली हो गई है, अंदर एक भी कबूतर नहीं है, मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें कुछ नए कबूतर भी थे, तो भाई मैंने को मजबूरी हो गई कि यार कबूतर को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि आज हमारे खंडवा शहर में थोड़ा मौसम खुला था, पानी बंद था, और नीचे की हालत देखो आप। ये भाई टीन सेट है, टीन सेट के ऊपर मैंने इस पर प्लास्टिक बिछा के रखा था भाई, बहुत गंदे हो गए थे, मैंने पूरी गंदगी इन पर हटाया और प्लास्टिक को पानी से धोया, उसके बाद भाई मैंने प्लास्टिक को, धूप निकल रही थी तो भाई मैंने सुखाने के लिए रखा, ठीक सूख गए हैं, ये देखो इसमें सभी प्लास्टिक सूख गए। और भाई आप सोचो कि मेरे कबूतर कहाँ है, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मेरे कबूतर ये बैठे हुए छतरी पे, भाई पूरे कबूतर छतरी पे बैठे हैं, और भाई आधे कबूतर भाई मेरे ये उठ रहे हैं, टुकड़ी चल रही है भाई, 7-8 कबूतर की टुकड़ी यहाँ चल रही है, और भाई कुछ कबूतर आसमान में फैले हुए हैं, क्यों भाई मैंने काफ़ी दिनों बाद मेरे पूरे कबूतर को देखिए। ये है मेरी कबूतर की ब्रीडिंग सेटअप, ये है नीचे वाली जाल, और गाइस चारों तरफ से पानी आया है, ये देखो यहाँ से संदी, मैंने बल्कि प्लास्टिक भी लगा के रखा था, उसके बावजूद भी इतनी तेज़ आंधी हवा थी कि उसके बावजूद भी पानी आया अंदर। तो अभी ये देखो अंदर सिर्फ गीला है, और अंदर भाई मैंने जितनी भी गंदगी हो रही थी कबूतर की, तो गाइस मैंने पूरी साफ़ कर दिया हूँ, पूरी झाड़ू से पूरी करनी से उठा उठा के, ये भाई मैंने बाल्टी में कचरा भर दिया हूँ, और उसमें जाके बाहर फेंक दूंगा। गाइस मैं आपको 50-80 कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ पानी किस तरीके से बनाना है। तो ये आपको इतनी बड़ी दालचीनी लेना है, और ये है बड़ी इलायची, इसको आप बड़ी इलायची बोलो या काली इलायची बोलो, ये है वो सिलबत्ते में कूटना है भाई, है ना, इसको बारीक करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप मार्केट से कभी ये 5 रुपये के लिए आना कि ये बड़ी काली इलायची ले आना, और 5 रुपये की ये दालचीनी लेके आ जाना, 10 रुपये में आपका काम हो जाएगा। या फिर कभी आपको ये दोनों चीज़ घर में मिल गई तो भाई आपका फ्री में काम हो जाएगा। वैसे दालचीनी और ये बड़ी इलायची को हम डाल देते हैं इस सिलबत्ते में, डाल दिए, डालने के बाद में आपको इसको इस तरीके से, तो भाई साहब ये देख लिए हमने दोनों चीज़ को कूट लिया है, और इसमें आपको एक भगोनी में डाल देना है, और फिर थोड़ा पानी आपको इसमें डालना है ताकि जो इसमें चिपका रहेगा तो भाई वो निकल जाएगा। और एक मग्घा आपको पानी डाल देना है, अब एक मग्घा बोले तो करीब 1 लीटर पानी आप इसमें डाल देना है, और ये पानी को आपको लेना है उबाली। तो हम भाई गैस चालू कर देते हैं, कर दिया हमने, और स्पीड से गैस भी चालू कर दिए, ठीक। अब ये पानी को एक उबाली देंगे, उबाली होने के बाद में फिर हम हमारे कबूतर को दाना देंगे। तो भाई पहले हम हमारे कबूतर को दाना दे देते हैं जब तक ये पानी गर्म होता रहेगा, दे देते हैं। तो ये दाना देने के बाद में ही आपको पानी देना है ना, पानी अभी गर्म हो रहा है, और
उठा वाली ट्रे। कहना पानी में उबाली आने वाली है तो हमारे को सिर्फ एक ही उबाली लेना है, क्योंकि पानी अच्छा खासा गर्म हो चुका है और पानी में दालचीनी का और बड़ी इलायची का अर्क उतर गया पानी के अंदर। फिर भी हम एक उबाली ज़रूर लेंगे। उबाली ले ली है और ये पानी को हम छानेंगे, तो आपको भी ये पानी को छान लेना है। तो गाइस हमने पानी को छान लिया है और ये जो बच रहा है भाई इसको फेंक देना है और बर्तन आपको मांझ के रखना है, नहीं तो आपके घर वाले आपको चिल्लाएंगे। ठीक है, अभी हम ये इसमें पानी करेंगे मिक्स। जो हमने ये पानी बनाया है, ये बनाया है 1 लीटर पानी और इसमें आपको डाल देना है 3 लीटर पानी। एक अंदाजे से ये आपको काम करना है। अभी जो आप ये बाल्टी देख रहे हो, ये भाई 5 लीटर की बाल्टी है, 4 लीटर या 4.5 लीटर ये पानी हो गया तैयार। अभी जब ये पानी हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद में जब आपने कबूतर को दाना खिला देना है पेट भर के, जब ये आपको पानी रखना है कबूतर के पास में। अभी हम पानी को ठंडा होने देते हैं। तो गाइस अभी हमारे कबूतर दाना खा लेंगे, उसके बाद भाई मैं पानी रखूँगा और जब हमारे टीन सेट वाले कबूतर जब मैं बंद करूँगा दाने खिलाऊँगा उसके बाद में, क्योंकि भाई टीन सेट पर कबूतर खुले वो तो कबूतर शाम में अंदर आएंगे। और अभी ये कबूतर भाई ब्रीडिंग वाले हैं, ये अंडे बच्चे वाले कबूतर है, कभी आप 24 घंटे इनके सामने दाना और पानी रखेंगे ना तो भैया खाते रहेंगे और पानी पीते रहेंगे। ठीक, फिर भी हम इसको इनको हमारे कबूतर को सुबह शाम दाना खिलाते हैं। ये भी ठंडा हो गया भाई, तो ये पानी हमारे जोड़ाले पी लेंगे, पीने के बाद कुछ पानी और डाल देंगे और इसमें फिर कुछ पानी हल्का सा और सादा पानी डाल के और हमारे उड़ान वाले कबूतर को पानी दे देंगे। लो बेटा पियो पानी। तो गाइस ये पानी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये पानी पीने से आपके कबूतर के शरीर में चुस्ती फुर्ती एनर्जी एक एक्टिवपन आ जाएगा और आपके कबूतर शरीर में करंट आ जाएगा, सुस्त नहीं बैठेंगे, फूल के नहीं बैठेंगे। अभी आप देख लो भाई, मैं ये दूसरे दिन दे रहा हूँ अपने कबूतर को, मैंने कल भी दिया था मेरे को फ़ायदा मिला और भाई मैं आज भी दे रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सब कबूतर एक्टिव बैठे हैं और तंदुरुस्त बैठे हैं। नहीं तो आप देख लो भाई मेरे कबूतर के जाल में चारों तरफ से पानी आया है, नहीं तो ऐसे पानी आता कबूतर बीमार पड़ जाते, फूल के बैठ जाते। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि भाई मेरे एक कबूतर भी डाउन नहीं है, कबूतर अच्छे बैठे और स्वस्थ बैठे और सब कबूतर एक्टिव बैठे भाई। तो इसी तरीके से आपको ये हफ्ते में 2 दिन ये पानी पिलाना है कंटिन्यू, जैसे भाई मैंने कल पिलाया और आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्यों भाई अभी जो है बारिश का मौसम है, हर शहर में लगी है झड़ी, हो सकता है कि ये वीडियो शेयर करने से किसी भाई का फ़ायदा हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और भाई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा भाई, देखो भाई मैं अपने खुद कबूतर को दे रहा हूँ। तो गाइस ये है न्यू किंग कबूतरबाजी, ये साइड में दिखा रहा हूँ पेज, भाई इनका भी चैनल को सपोर्ट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मैं इसी तरीके से सभी भाई का चैनल फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ भाई, कुछ भी चार्ज नहीं, सिर्फ आपकी सपोर्ट और भाई आपका प्यार की ज़रूरत है।